गाइस कैसे हैं आप लोग। हम हैं ऑनेस्ट करते हैं रिव्यू, इसलिए तो हम हैं ऑनेस्ट रिव्यूअर्स। हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कब आपको अपने रेडमी 7A में आपको देखने को मिल जाएगा मी 11 का अपडेट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि Xiaomi अभी तक इंडिया में कोई भी अपडेट रोल आउट नहीं किया है रेडमी 7A के लिए, यहाँ तक कि बीटा टेस्टर्स के लिए भी रोल आउट नहीं किया है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, कब आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा आपके रेडमी 7A में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का अपडेट आप मिस ना करें, क्योंकि मैं सभी वीडियोस के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि यह अपडेट सभी जगहों के लिए, यानी कि जहाँ जहाँ रेडमी 7 रिलीज़ हुआ है इंडिया को छोड़ करके, जैसे कि चाइना में, यूरोप में, रसिया में और ग्लोबल के लिए रिलीज़ कर दिया गया है। सिर्फ इंडिया के लिए अभी तक नहीं आया है, सिर्फ इंडिया के लिए अभी तक ये नहीं आया है। तो हम इसी वीडियो में वही बात करेंगे, कब आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा इंडिया में। चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो पे मैंने रखा था 5 लाख का टारगेट, तो प्लीज़ लाइक को टारगेट को कम्प्लीट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग कभी कम्प्लीट नहीं करते मेरे टारगेट को, प्लीज़ कम्प्लीट कर दीजिए, बहुत मेहरबानी रहेगी। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज 28th of November और थर्ड बैच का जो टाइम टेबल है मेरे, जैसे कि मुझे याद है, वैसे मुझे याद है अच्छे से कि 13 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक नवंबर का है। तो अगर हमें 29th of November तक ये अपडेट देखने को नहीं मिलता, समझ लीजिए उस हफ्ते तो आने वाला है नहीं है। लेकिन आ भी जाता है 29th November के बाद, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थिंग होगा Xiaomi के साथ, जो कि वो अपडेट रिलीज ढंग से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो मतलब फोर्थ बैच जो कि रेडमी नोट 8 प्रो फोर्थ बैच में आता है, उसे अभी तक अपडेट बीटा टेस्टिंग स्टार्ट कर दी उसकी, लेकिन 7A जो थर्ड बैच में आता है उसे अभी तक अपडेट नहीं दिया है। जो 28th of November है, आज आप अपने अपडेट को चेक करते रहिए, क्योंकि कभी भी अपडेट पुश कर सकता है Xiaomi। और ये पहले बीटा टेस्टर्स के लिए पुश किया जाएगा, क्योंकि उसने बीटा टेस्टर को रिक्रूट किया है। तो आज अपडेट आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो कल पक्का आ जाएगा, क्योंकि 80% चांसेस है कि कल अपडेट आ जाएगा। लेकिन कल भी अगर अपडेट नहीं आता तो सीधे सीधी बात है कि हमें अपडेट इसी हफ्ते देखने को मिल जाएगा। 50-50 चांसेस है कि इस हफ्ते मिले, 50% चांसेस है कि अगले हफ्ते मिले, लेकिन आपको अपडेट ज़रूर देखने को मिलेगा, बिल्कुल ही देखने को मिलेगा, कन्फर्मेशन के साथ देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड क्यू भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये अपडेट एंड्रॉयड क्यू के साथ नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है जिसे एंड्रॉयड क्यू मिला हो K20 सीरीज़ को छोड़कर के। K20 सीरीज़ में सिर्फ K20 प्रो को ही मिला है। तो ये बहुत बहुत डिसअपॉइंटेड है कि अभी तक सिर्फ एक ही डिवाइस बचा हुआ है पूरे Xiaomi को मी 11 देने के लिए, बस ये आखिरी डिवाइस बचा हुआ है रेडमी 7, लेकिन अब तक उसने कोई अपडेट पुश नहीं किया है, क्योंकि अभी तक सारे डिवाइस को मिल चुका है, बीटा हो, स्टेबल हो, फेस्ड रोल आउट हो, पब्लिक रोल आउट हो, सभी जगह पे अपडेट देखने को मिल चुका है। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है Xiaomi के साथ कि वो अभी तक 7A को अपडेट नहीं दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अपडेट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ कि जैसे ग्लोबल में, यूरोप में और रसिया में अपडेट रिलीज हो चुका है, तो मैं आपको सामने स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा जो कि MIUI ROM के ग्लोबल डाउनलोड साइट का है, तो मैं आपको अपडेट दिखा दूंगा और इंडिया वाले का भी दिखा दूंगा कि अभी तक अभी एंड्रॉयड 10 ही मिला है, सॉरी MIUI 10 ही मिला है, MIUI 11 का अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे नीचे में। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू जानना चाहते हैं, कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी सुझाव हो, तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप आने वाले वीडियोज़ को मिस ना करें, क्योंकि हम सभी डिवाइस पर वीडियोज़ बनाते रहेंगे। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप डिसलाइक करते हैं तो हमें बता दें रीज़न, ताकि हम उसे सुधार पाएँ, क्योंकि डिसलाइक करने का रीज़न बताएंगे तभी तो हम उसे इंप्रूव कर पाएंगे। सो प्लीज़ डिसलाइक करें तो रीज़न बता दें। और मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग ऑनेस्ट रिव्यूअर।